देश में सर्विस सेक्टर का विकास थम गया है। अप्रैल के मुकाबले मई में सर्विस पीएमआई गिरकर 50 के नीचे चली गई। सर्विस सेक्टर अर्थव्यवस्था का लगभग 60% हिस्सा है। भारतीय सर्विस सेक्टर के विकास की स्पीड धीमी हो गई है। ऐसा पिछले 3 महीनों में पहली बार हुआ है, जिसका कारण नए ऑर्डर्स की मांग में आई कमी है। निकेई सर्विसेज पीएमआई अप्रैल के 51.4% के मुकाबले मई में 49.6% रही। पीएमआई अगर 50 के ऊपर रहे तो उसे विकास की श्रेणी में माना जाता है, और अगर 50 के नीचे रहे तो इसे पतन समझा जाता है। नए ऑर्डर की मांग दिसंबर के बाद अब तक के न्यूनतम स्तर पर है। सेवा क्षेत्र की कंपनियां कच्चे माल की बढ़ी कीमतों को पूरी तरह खरीदार तक नहीं पहुँचा पाई, जिसका खामियाजा कंपनियों को ही उठाना पड़ा है। इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में भी गिरावट आई है। अप्रैल के 51.6 के मुकाबले ये मई में 51.2 रही। कुल मिलाकर अगर दोनों क्षेत्रों को देखें तो कंपोजिट पीएमआई अप्रैल के 51.9 के मुकाबले मई में 50.4 रही। हालांकि सर्विस सेक्टर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा यानी लगभग 60% का हिस्सेदार है, जिससे GDP पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।